नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे टवेरा गाड़ी की तीन सबसे बड़ी कमियां। तो सबसे पहली बात है कि भाई टवेरा गाड़ी चलती है ज्यादातर किराए से, तो नॉर्मली सी बात है ज्यादातर उसको ड्राइवर लोग ही चलाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जब स्पीड से गाड़ी को हम अगर किसी ढचके पे चला देते हैं या धोखे से अनजाने से हम स्पीड में चल रहे हैं, अचानक से कोई ढचका वगैरह आ जाता है या गड्ढा आ जाता है, तो उस पर क्या होता है कि टवेरा का सेंटर वोल्ट ये टूट जाता है। तो इसको सेंटर वोल्ट बोलते हैं, एक्सटेंशन वोल्ट बोलते हैं और टॉर्सन वोल्ट भी बोलते हैं इसको। तो इसका इलाज तो कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ ये रहता है आपसे कि आपको गाड़ी संभाल कर चलाना है जब भी कोई सा गड्ढा हो या कुछ भी हो। और दूसरी चीज़ है इसका कि एक से दो पीस आपको ये एडिशनल अपनी गाड़ी में रखना है जब भी आप 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर की लंबी यात्रा पे या 300-500 किलोमीटर की कोई लंबे रूट पर जा रहे हो आप। तो इसको आपको आपके मतलब डिग्गी में रखा रहना चाहिए एक या दो पीस। तो ये यहाँ पर भी दिक्कत आए तो ये आसानी से कोई भी बदल सकता है, लेकिन सबसे पहला जरूरी है कि आपके पास होना चाहिए, आपको परेशान ना हो गए आप। दूसरी बात है इसका माइलेज। तो दोस्तों माइलेज ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि 15 का माइलेज है तो 20 का देने लगेगी गाड़ी, वो साफ झूठ रहेगा। माइलेज बढ़ाने के सिर्फ दो या तीन तरीके रहते हैं। पहली बात, सर्विस टाइम टू टाइम हो। जब सर्विस को बहुत टाइम करवाए हुए हो जाता है तो अपने आप माइलेज 2-3 कम देने लगती है, 2-3 किलोमीटर कम माइलेज देने लगती है गाड़ी। तो सर्विस टाइम टू टाइम करवाएं। दूसरी बात, ऑयल अच्छा वाला डलवाएं, पहली बात हो गई है। दूसरी बात हो गई माइलेज बढ़ाने की, कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो छोटे गियर में ज़्यादा रेस ना दें, ठीक है। छोटे गियर में ज़्यादा मतलब करीबन दूसरे गियर में ही आप 50-60-70 भगा रहे हैं तो उससे 100% आपका माइलेज कम ही आएगा। और तीसरी चीज़ है कि एक बार लोग क्या करते हैं, रेस दे दी फिर स्लो कर ली, फिर शॉर्ट रेस दे दी फिर स्लो कर दी। कांस्टेंट स्पीड पर चलाएं, अगर भीड़ भाड़ वाला है तो कम स्पीड में चलाएं, लेकिन सेम स्पीड पर रखने का ट्राई ज़्यादातर करें। अगर हाईवे वगैरह पे है तो 80-90-100 फिफ्थ गियर में, मतलब फोर्थ फिफ्थ गियर में आप 80-90-100 चलाएं, कांस्टेंट से चलाएं, बार बार एकदम स्लो कर लें और बार बार फिर रेस दे रहे हैं, उससे भी माइलेज आपका माइलेज की धज्जियाँ उड़ जाती हैं सीधी बात बोलें तो, ठीक है। तो पहली बात कि सेंटर वोल्ट आपको एडिशनल रखना है आपके पास दो या तीन। दूसरी बात कि सर्विस टाइम टू टाइम। तीसरी बात कि कांस्टेंट रेस में ही चलाएं गाड़ी को, सिर्फ यही एक तरीका है कि हम हमारे माइलेज को बढ़ा सकते हैं। और टवेरा गाड़ी में क्या है, अक्सर मैंने देखा है टवेरा गाड़ी यूज़ करी जाती है सवारी के पर्पज़ पे, मतलब आप रेंट पे, क्योंकि इसमें 7-8 लोग आराम से बन जाते हैं, और जिस कारण से इसको कहीं भी लोग बाग अगर 5-7 लोग होते हैं तो वो घूमने के पर्पज़ से इसको ले जाते हैं, किराए से करवा कर ले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर किराए से चल रही है तो उसको ड्राइवर ही चलाएगा। तो ड्राइवर क्या रहते हैं, अगर खुद की गाड़ी है तो आराम से चलाएंगे, अगर उसने देख लिया कि ये सेठ की गाड़ी है इसको वो गड्ढे देखता नहीं है तो वो चलाएगा तो सेंटर वोल्ट तो टूटेगा ही ना, ठीक है। प्यार से चलाएंगे गाड़ी को तो आपकी को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। यही बात थी। और दूसरी बात, आप आपकी गाड़ी में टवेरा में लाइट अच्छी लगवाएं, इससे भी बहुत प्रॉब्लम आती है टवेरा की लाइट के कारण भी, कि आपको गड्ढे नहीं देखते हैं रात में, मतलब ये क्या है रात में भी चलती है दिन में भी चलती है, तो एडिशनल आप हैलोजन लाइट ही लगवा लें, ठीक है। यही कुछ बातें थी, वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। अगर इस वीडियो में 10K लाइक्स हो गए तो मैं सेंटर वोल्ट कैसे चेंज करें, क्या क्या करना होगा, अगर आप ड्राइवर हैं तो क्या करें कि आप वहीं पे कहीं भी जंगल में खड़ी हो आप सिर्फ 2-3 चाबी पाना चाहिए होंगे, जो जो मैं बताऊंगा आपके उसको एक वीडियो आपके ऊपर आपको बना के दूंगा। तो प्लीज़ 10K लाइक्स इस वीडियो पर करवाइए, ठीक है। तो तब तक की हम वीडियो को खत्म करते हैं।